नूह में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अब कई एकड़ जमीन गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। कलेक्टर रेट के हिसाब से जमीन के टुकड़े की जितनी कीमत बनती है उसी हिसाब से जमीन गिरवी रखी जा सकेगी। बाकी जमीन के टुकड़े में किसान अपनी फसल का उत्पादन कर सकेगा। इस दौरान उन्होंने पिछली सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 48 साल बनाम 5 साल का कार्यकाल बराबर का है। इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को गिनवाते हुए कहा कि किसानों की फसल जब पहले नष्ट हो जाती थी तो मुआवजा राशि जो है वो कम मिलती थी। बीजेपी की सरकार में 12,000 रुपए प्रति एकड़ से मुआवजा किसानों को खराब फसलों का मिलता है। फसलों का बीमा बीजेपी सरकार में ही हुआ है। एक समस्या किसानों की बहुत वर्षों से वो चल रही है कि जो बैंक से लोन लेते हैं ये तो सरकार की ओर से हरको बैंक से मिल जाता है, लेकिन बाकी बैंकों में लैंड बोर्डेज बैंक है या और बैंक है उसमें लोन के बदले में हमारी जमीन रख ली जाती है, रखी जाती है ना, और उसमें चाहे हम 2 लाख का लोन लें, 3 लाख का लें या ट्रैक्टर 4-5 लाख का लें तो बदले में सारी जितनी जमीन होती है सारी गिरवी रख लेते हैं। कहीं 8 एकड़, कहीं 10 एकड़, 50-60 लाख की जमीन रख लेते हैं और सारी रखने के बाद जब तक वो 2-4 लाख का लोन वापस ना हो तो सारी जमीन छूटती नहीं है। यही स्थिति है ना। अब हमने ये तय किया है कि उस कर्ज के बदले जमीन सारी नहीं रखी जाएगी बल्कि कितना उसमें लोन लिया है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत ज्यादा रख के और उसकी लिमिट लगा दी जाएगी कि इससे ज्यादा जमीन गिरवी नहीं रखी जा सकती ताकि बाकी जमीन किसान के पास रहे जिसका उपयोग जैसे वो करना चाहे वैसे कर सके।